फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये पकौड़ी से सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी पकौड़ियाँ लगती हैं हमारे खाने में, और ये पकौड़ियाँ जब आप खाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप बेसन की पकौड़ियाँ भूल जाएंगे। ये मैंने आटे से बनाई हुई है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। आप इन्हें नाश्ते के रूप में भी बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी इन्हें दे सकते हैं। तो सभी खुश होकर इन पकौड़ियों को खाते हैं। तो इस पकौड़ी की रेसिपी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो की रेसिपी। तो आप इन्हें तैयार करें और ट्राई करें और मेरे को कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी ये बनाई हुई पकौड़ी कैसी लगी। तो चलिए हम इससे अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये मैंने 2 तेज पत्ता लिए हैं और 2 छोटी इलायची ली है मैंने, 1 बड़ी इलायची ली है और 2 से 3 मैंने इसमें काली मिर्च ली है और 2 से 3 ही मैंने इसमें लौंग ली है। तो अभी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 1 चम्मच हमने तेल ले लिया है। इसमें हम जीरा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच। तो ये मैंने जीरा डाल दिया है। ये मैं तेज पत्ता भी डाल दूंगी इसमें, और ये हमारे खड़े मसाले हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये मसाले हमारे पक चुके हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के भूनेंगे। ये प्याज में ही मैंने लहसुन की कलियां चॉप कर ली थी बारीक करके, और डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने प्याज में ही ग्राइंड कर लिए थे अच्छे से इनको। इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, कटी हुई बारीक कटी हुई। इन्हें हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखिए हमारे प्याज बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटे चम्मच मैं हल्दी पाउडर लूंगी इसमें। ये हम भून लेंगे अच्छे से। प्याज में अगर हम इस तरीके से मसालों को भूनते हैं या तेल में भूनते हैं तो इनसे हमारा सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो इस तरीके से, इसीलिए मैं इसे इस स्टेज पर भून रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से भूनने से बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है हमारी सब्जी में। अब इसमें हम अपने प्याज डालेंगे, सॉरी इसमें अब हम अपने टमाटर डालेंगे। ये कटे हुए बारीक मैंने कर लिए हैं, तो इसे भी हम डाल देंगे इस तरीके से। नमक डाल देंगे हम इसमें टेस्ट अनुसार। आधा चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पकौड़ी में भी हमारा नमक है, इसलिए मैं इसमें कम डाल रही हूँ। आप भी अपने टेस्ट के अनुसार डालें इसमें। आधा छोटा चम्मच मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और ये आधा छोटा चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें। अब इसे भी हम इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाले हमारे इससे अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें पानी थोड़ा ऐड कर दें, इससे मसाले भी हमारे जलेंगे नहीं और अच्छे से पक भी आ जाएगा, सब्जी में भी हमारे कलर आ जाएगा। तो हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है बिल्कुल एकदम। तो इस स्टेज पर हम अपने ये पकौड़ियाँ डाल देंगे इसमें और इन्हें थोड़ी देर इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे अपनी जरूरत के अनुसार, टेस्ट के अनुसार। तो ये देखिए एक कटोरी में पानी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि पकौड़ियाँ भी थोड़ा सा पानी सोख करती हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा डालेंगे। तो इसी तरह मैं 1 से 1.5 कटोरी डालूंगी इसमें बस। ये देखिए पकते समय भी थोड़ा सा पानी सूखता है, तो इसी तरह से 1.5 कटोरी पानी डाली है मैंने इसमें। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी जब तक बॉयल आएगा तब तक। तो आप इस तरह से ढककर रख दें। तो ये देखिए यम्मी सी सब्जी हमारी तैयार है। तो इसे आप इस तरीके से देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो अब हम इसमें अपना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इस तरीके से, और ये मैंने कुछ 3 से 4 हरी मिर्च ली है, इन्हें लंबे लंबे मैंने कट कर लिया है। ये इस तरीके से आप इन्हें डाल दें, ये बहुत ही स्पाइसी लगती है खाने में, मजा आता है इन्हें बहुत ही खाने में। और अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी सब्जी सर्व करते हैं। ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी यमी लग रही है ये देखिए,
बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही मजा आता है इसे खाने में, तो आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो ये देखिए, वाओ, तो इसे इस तरीके से सर्व कर लें। ये देखिए हमारे आटे की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।